सो हाई स्टूडेंट, कैसे आप सभी लोग। सो स्टूडेंट, आज का जो क्वेश्चन है इसमें अपने को करना है फैक्टराइज। तो आज के इस क्वेश्चन में कुछ सरप्राइज भी यहाँ पे रहने वाला है, कुछ स्टूडेंट के लिए यहाँ पे गिफ्ट रहने वाला है। तो वो गिफ्ट कैसे मिलेगा मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए पहले इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है इसका लेवल काफी अच्छा है, आप इसको समझ लीजिए। काफी सारे स्टूडेंट हैं जिनसे ये क्वेश्चन नहीं हुआ है, मैंने ये क्वेश्चन जो है वो दिया था बट नहीं कर पाए, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे नहीं कर पाए। तो देखो यहाँ पे है एक्स टू दी पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो देखो अगर अपन इन दोनों के पेयर बना रहे हैं और इन दोनों के पेयर बना रहे हैं तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी अपन कॉमन लेंगे तो इन दोनों में जो ब्रैकेट में है जो है वो सेम नहीं बचेगा। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, अपन यहाँ पर करेंगे बीच वाली टर्म को, किसी ना किसी एक टर्म को या दो टर्म को अपन ब्रेक करेंगे। तो यहाँ पे अपन करते हैं, एक तो एक्स स्क्वायर को करते हैं ब्रेक और एक प्लस टू को ब्रेक करते हैं। तो देखो एक्स स्क्वायर तो सिर्फ सिंगल एक्स स्क्वायर है, तो इसको अपन ब्रेक करने के लिए क्या करेंगे, एक पॉजिटिव ले लेंगे और एक नेगेटिव ले लेंगे। तो इसको अपन ब्रेक कर देंगे 2x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर के अंदर, ठीक है। और प्लस 2 को अपन कर देंगे 1 प्लस 1, ठीक है। अब इसको कहां कहां कैसे कैसे लिखेंगे वो मैं आपको देता हूं। तो देखो यहां पर x टू दी पावर 4 भी है, तो मैं x टू दी पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर और प्लस 1 को एक जगह साथ ले लेता हूं। तो ये देखो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस ये हो गया 2ab और ये हो गया प्लस बी स्क्वायर। तो ये एक आइडेंटिटी बन गई ए प्लस बी के होल स्क्वायर की, जैसे इसको अपन लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1। तो ये हो गया 2ab, ये ए स्क्वायर और 1 को अपन लिख सकते हैं 1 स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी यहाँ पे बन जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग इसको अपन लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 एंड फिर लिख लेते हैं माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स क्यूब और प्लस 1, ठीक है, ओके। अब देखो अब ये तो बन गई अपने पास में आइडेंटिटी ए प्लस बी के होल स्क्वायर की। तो इसको अपन लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस ये एक्स क्यूब प्लस 1। तो 1 को अपन यहाँ पे 1 क्यूब भी लिख सकते हैं। अब 1 क्यूब क्यों लिख रहा हूं मैं वो मैं आपको आगे बता देता हूं कि देखो यहां पर इसको अपन मान लेते हैं पूरे को ए स्क्वायर, ये माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, और इन दोनों का एक पेयर बना लेते हैं अपन। तो यहां पर दो आइडेंटिटी आगे यूज होने वाली है। पहली आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी, ठीक है। उसके बाद में इसमें आइडेंटिटी यूज होने वाली है ए क्यूब प्लस बी क्यूब की, जो कि होती है ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको आगे लिख देता हूं मैं इधर, ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ये दो आइडेंटिटी जो है यहाँ पर यूज होने वाली है आगे। तो इसको अपन लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड माइनस एक्स, ठीक है, मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस एक्स, ये हो गया ए प्लस बी, ठीक है। अब ये तो हो गया, अब इसमें तो प्लस, क्योंकि यहाँ पे बीच में प्लस का साइन है ना मैंने, तो ये प्लस, तो इसको एक्स क्यूब प्लस 1 क्यूब, तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी, तो ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 1, ठीक है। फिर आगे ये वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो इसमें आ जाएगा एक्स स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, माइनस ए बी, तो माइनस ए बी मतलब एक्स इंटू 1, तो माइनस एक्स, तो ये माइनस एक्स, ठीक है। अब देखो यहां पर आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स और यहां पर आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। तो इन दोनों में से इसको अपन कॉमन ले लेंगे यहां से और यहां से, तो इसको अपन लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये आ गया कॉमन दोनों जगह से, ठीक है। अब यहां पर बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स और यहां पर बच गया एक्स प्लस 1, तो ये प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है, ये बच गया यहां पर। अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं, तो इसको मैं ऊपर ले लेता हूं, ओके। अब देखो इसको अपन यहां पे ये हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई ये एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स और प्लस एक्स हो जाएगा 2x, तो इसको लिख दिया अपन ने एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ठीक है। तो यहां पर अभी इसमें कोई आइडेंटिटी लग नहीं रही, अगर यहां पे प्लस 1 होता
तो अपन यहाँ पर आइडेंटिटी लगा सकते थे, बट इससे आगे ये फैक्टराइज होगा नहीं, ना ये फैक्टराइज होगा, तो ये इसका हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये आ गया इसका आंसर। सो स्टूडेंट इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इनको कर सकते हैं। अब देखो गिफ्ट क्या है, सरप्राइज क्या है, वो ये है कि अगर आप ये जो क्वेश्चन है आप इसको अलावा इसके अल्टरनेटिव मेथड से, जो मैंने सोल्व किया उस मेथड से नहीं, किसी और अगर मेथड से अगर आप सोल्व करके मुझे इंस्टाग्राम पे सेंड करते हो, इंस्टाग्राम मेरा है mahendu/01, इस इंस्टाग्राम हैंडल पे आप मुझे इसका सॉल्यूशन भेजते हो, तो जो भी स्टूडेंट इसका अल्टरनेटिव सॉल्यूशन मुझे भेजेगा उसको मिलेगा एक प्यारा सा गिफ्ट। ठीक है, तो ये है मेरा सरप्राइज, बाकी आप देख सकते हैं इसका आंसर। और भी क्वेश्चंस अगर आप पूछना चाहते हैं, अगर आपके कोई डाउट्स हो तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं 9982435001, या तो आप मुझे यहाँ पे इस व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं या फिर आप मुझे भेज सकते हैं इंस्टाग्राम हैंडल पे, और फ्री में आपका सॉल्यूशन मैं जो आपको दूंगा। सो स्टूडेंट ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।